गुड मॉर्निंग द स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ स्टैंडर्ड टुडे वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर फिफ्टीन इन इंग्लिश द नेम इज़ द चॉइस इज़ योर्स चॉइस इज़ योर्स मतलब आपकी इच्छा मतलब आपकी चॉइस है कि आपको क्या चुनना है अच्छा चुनना है बुरा चुनना है सही बात चुननी है या गलत बात चुननी है तो चॉइस टोटली आपकी होती है कोई आपको एडवाइस सिर्फ दे सकता है लेकिन उस एडवाइस को मानना न मानना आपके ऊपर होता है ठीक है तो चलिए चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं वंस दे आर लिव्ड अ मैन नेम्ड रोशन लाल एक बार रोशन लाल नाम का एक आदमी था ही लव्ड कार्स उसको कारों से बहुत ज़्यादा प्यार कर प्यार था वो कार बहुत पसंद करता था He used an old car that could run only at द speed of a cycle. उसके पास एक ओल्ड कार थी एक पुरानी कार थी जो कि साइकिल की स्पीड से चलती थी मतलब वो इतनी तेज भी नहीं थी जैसे कारों की स्पीड होती है वो सिर्फ एक मतलब एक इतनी तेज़ चलती थी जितनी कि एक साइकिल चलती है He saved money for years to buy a new car. उसने सालों तक पैसे बचाए जिससे कि वो एक नई कार खरीद सके एट लास्ट द ग्रेट डे अराइव्ड आखिर में वो दिन आ ही गया जब वो नई कार खरीदने गया ठीक है उसने बहुत सालों तक पैसे बचाए पैसे इकट्ठे किए कि मैं नई कार खरीदूंगा ही हैड इनफ मनी टू बाय द फास्टेस्ट कार इन द कंट्री कि उन, उसके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि वो देश की सबसे फास्टेस्ट कार खरीद सकता था मतलब सबसे तेज़ चलने वाली कार खरीद सकता था He dressed carefully for the moment and reached the grand showroom. वो कार खरीदने के लिए बहुत ही अच्छे से कपड़े पहन के गया मतलब क्योंकि वो इतने सालों से पैसे इकट्ठे कर रहा था और उसके लिए उसका जो एक ड्रीम पूरा हो रहा था तो इसके लिए वो बहुत ही अच्छे से सुंदर ड्रेस पहन के गया और बहुत ही बड़े शोरूम में पहुँच गया ही सून्ड विध डिलइट वेन ही सॉ द रेड स्वैंक की स्पोर्ट्स कार वो खुशी से झूम उठा मतलब खुशी से एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया जब उसने क्या देखा एक रेड चमकती हुई स्पोर्ट्स कार देखी ठीक है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया सुन द पेपर वर्क वॉज ओवर एंड द कार वॉज हिज कि पेपर वर्क जो भी आपको पता हुआ कार खरीदते हैं तो पेपर वर्क होता है कि आ, ख़रीदने के पेपर्स होते हैं आप लोगों को पता होगा कि कितने में ख़रीदी गई क्या क्या इसकी वारंटी है क्या इसकी गारंटी है कितने साल चलेगी मतलब सारी चीज़ें के पेपर वर्क होते हैं तो पेपर वर्क पूरे हो गए और वो कार उसकी हो गई द गाइड इन द शोरूम गॉट इंटू द ड्राइवर सीट टू शो हिम ऑल द न्यू थिंग्स दिस कार कुड डू कि जो गाइड था शोरूम में अगर आप में से कोई गए हो अपने पेरेंट्स के साथ कार खरीदने तो आपने देखा होगा कि जब शोरूम से कार निकाली जाती है कार ली जाती है तो जो वहाँ के मैनेजर होते हैं जो गाइड होते हैं वो कार के फीचर्स बताते हैं कार कैसे चलती है या क्या इसमें फंक्शंस होते हैं सारे समझाते हैं तो वो जो गाइड है शोरूम का वो ड्राइवर की सीट पर बैठ के रोशन लाल को भी सारी चीज़ें बता रहा था कि ये और नई नई चीज़ें कि ये कौन कौन से इसमें फंक्शन है क्या क्या ये कार कर सकती है कैसे ये काम करती है सारी चीज़ें वो बता रहा था बट मिस्टर रौशन लाल वॉज सो इम्पेशन टू ड्राइव द कार हिमसेल्फ दैट ही वुडेंट लिसन टू एनी थिंग द गाइड सेट लेकिन जो रोशन लाल थे वो इतने ज़्यादा बेसब्र थे उस नई कार को चलाने के लिए वो तो बस नई कार लेके उसको चलाना चाहते थे उसको खुद हैंडल करना चाहते थे इसलिए जो जो गाइड ने कहा उसको समझाया वो वो उसने सुना ही नहीं मतलब वो बिल्कुल अनसुना करके ठीक है हाँ मेरे को सब आता है मैंने बहुत सालों तक कार चलाई है तो उसने सब कुछ अनसुना कर दिया गाइड की बात सुनी ही नहीं ही स्टार्टेड द कार एंड बिगेन टू मूव उसने कार स्टार्ट की और उसको चलाना स्टार्ट कर दिया चलाने लग गया द गाइड यल्ड आफ्टर हिम जो गाइड था जो समझा रहा था वो ज़ोर से उसके ऊपर चिल्लाया किसके ऊपर रोशन लाल के ऊपर चिल्लाया यू डिड नॉट पे अटेंशन टू मी आप मेरी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं एटलीस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन बुकलेट इन द कार एटलीस्ट जो यहाँ पे बुकलेट दी गई है आपको पता होगा हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो चाहे कोई सी भी इस कोई भी नई चीज़ हो हर चीज़ के साथ एक बुकलेट आती है जिसमें इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं चाहे वो फ्रिज हो ए हो कार हो कोई सी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो कोई भी नई चीज़ हो उसके साथ इंस्ट्रक्शन बुकलेट दी ही जाती है तो वो जोर से चिल्लाया कि ना तो आप मेरी बात सुन रहे हैं ना ही ये इंस्ट्रक्शन बुकलेट जो कार में दी गई उसको उसको ही पढ़ रहे हैं आप कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं मिस्टर रौशनलाल डेंट पे अटेंशन मिस्टर रौशनलाल ने फिर भी नहीं सुना उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया उसकी बातों पर ही कोस्टेड अलॉन्ग द रोड एंड अ सॉन्ग इन हिज हार्ट वो रोड की तरफ बढ़ते गए और दिल दिल में एक गाना गाते गए वेर एवर ही वेंट ही नोटिस पीपल स्माइलिंग स्माइलिंग एटीम जहाँ जहाँ वो गया कार लेके गया और मिस्टर रौशनलाल जहाँ जहाँ वो कार लेके गया तो उन्हों उन्होंने क्या देखा कि लोग उ, उनकी तरफ देख के स्माइल कर रहे हैं मतलब उनको देख के हंस रहे हैं ही थाट दैट दे वर एडमायरिंग हिज न्यू कार उन्होंने क्या सोचा कि हो सकता है ये सारे लोग इस नई कार को देख कर मुस्कुरा रहे हो इस नई कार को देख कर मतलब नई कार की चमक को देख कर नई कार को देख कर बहुत खुश हो रहे हो एडमायर कर रहे हों प्रशंसा कर रहे हो उसकी तारीफ कर रहे हो मतलब मुस्कुराहट से उसको बोल रहे हैं कि वाह क्या शानदार कार है पूअ मिस्टर रोशन लाल अरे बेचारे रोशन लाल क्यों ऐसा क्यों था देखिए आगे पढ़ते हैं अपन ही डेंट रियलाइज़ दैट देर स्माइलिंग फ़ॉर अ टोटली डिफरेंट रीज़न वो उन्होंने बिल्कुल भी ये रियलाइज़ नहीं किया बिल्कुल भी ये महसूस नहीं किया कि वो लोग उस गाड़ी की तारीफ़ करने के लिए मुस्करा नहीं रहे थे बल्कि वो बिल्कुल ही किसी और रीज़न की वजह से स्माइल कर रहे थे उनकी तरफ़ ही हैड ड्रिवन एंड ओल्ड स्लोकार फॉर सो मैनी ईयर्स डेट ही हैड फोगॉटन हाउ टू ड्राइव फास्ट कि उन्होंने एक बहुत ही पुरानी और धीमी कार को मतलब स्लो कार को इतने सालों तक उन्होंने चलाई थी कि वो भूल ही गए थे कि कार तेज़ भी चलती है तो इसलिए वो कार तो स्पोर्ट्स कार थी वो तो तेज चलने वाली कार थी लेकिन वो भूल ही गए थे कि कार को तेज़ कैसे चलाया जाता है सो नाउ ही वॉज ऑन द रोड ड्राइविंग द कंट्रीज़ फास्टेस्ट कार एट द स्पीड ऑफ अ साइकिल तो लोग क्यों हंस रहे थे क्योंकि वो uh, देश की सबसे फास्टेस्ट कार को सबसे तेज कार को भी साइकिल की स्पीड से ही चला रहे थे रोड पर ठीक है अब फास्टेस्ट कार को लेके गए तो उसी स्पीड से चलानी चाहिए लेकिन वो तो फिर भी साइकिल की स्पीड से ही उस कार को चला रहे थे नो वॉन्डर पीपल फाउंड फनी इसलिए लोगों को ये चीज़ बहुत ही फनी लगी कि आ, क्या है ये कि इतनी अच्छी कार है शानदार कार है इतनी तेज चलने वाली कार है फिर भी ये इंसान इसको इतनी धीरे धीरे चला रहा है Many people in the world are like Mr. Roshan Lal. इस दुनिया में भी कई लोग Mr. Roshan Lal जैसे होते हैं They have wonderful bodies and minds, but they do not want to listen to spiritual masters who are like the guide in the car company. कि उनके पास बहुत ही अच्छी बॉडी होती है दिमाग होता है लेकिन वो जो आध्यात्मिक मास्टर्स मतलब जो आ, जिससे आपको गाइडेंस मिलती है उन आवाज़ों को सुनना ही नहीं चाहते है मतलब लोग अपने मन की करना चाहते हैं और जो कोई उनको अच्छे एडवाइस दे रहा हो अच्छी बातें बता रहा हो उनकी किसी भी बात को सुनना ही नहीं चाहता जैसे कि वो गाइड मिस्टर रौशन को बता रहा था लेकिन रोशन ने बिल्कुल सुना ही नहीं तो इस तरीके से आपने इस चैप्टर में देखा कि हमें खुद पर इतना प्राउड नहीं होना चाहिए इतना ओवर स्मार्ट नहीं होना चाहिए अगर कोई आपको कुछ एडवाइस दे रहा हो कुछ बता रहा हो तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए ओके सो द चैप्टर इज कम्प्लीटेड एंड द कोर्स इज ऑल्सो कम्प्लीटेड इन इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश लैंग्वेज इज रिमेनिंग बट इंग्लिश लिटरेचर कोर्स इज कंप्लीटेड नाउ यू हैव टू डू द ट्रू फॉल्स एंड द ऑल्टरनेटिव इन बुक ओनली एंड द ट्रू फॉल्स यू हैव टू डू इन योर नोटबुक ये नोटबुक में करने हैं क्वेश्चन आंसर्स दीज क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू डू इन योर नोट बुक दीज फिल इन द ब्लैंक्स ये भी आपको नोटबुक में करने हैं ओके एंड दीज फिलअप्स एडिंग एल वाई दीज ऑल्सो यू हैव टू डू इन योर नोटबुक सो आपको नोटबुक में क्या क्या करने हैं ट्रूफॉल्स करने हैं क्वेश्चन आंसर्स करने हैं फिलिंद ब्लैंक्स करने हैं और ये वाले फिलिंद ब्लैंक्स भी आपको आपकी नोटबुक में करने हैं ओके गुड बाय ऑल ऑफ यू